आज सर ऐसे जो मजीद क्या इस्तीफे लेवल चाहिए, जजेस के आ मिराबा रहे साहब को हैं, भी जेल में डाल दें, जरदारी साहब को भी डाल देते हैं। तसल्ला सर जत्थे मेरे तैयार मतलब करूं कमाल है, अदारू आप हर चीज एक को सेकंड पेट्रोल पंप भाई से बात ट्रेन तो के सुन लेना, इंजन फॉर्म में इस तरह ना किया करें। मेहर मेरे एक सेकंड आम पर ये लीगी सीनियर रहनुमाई जिनको मैंने कोट किया है, इनके तहफुजात ये वाजे सबूत नहीं है कि पार्टी की सीनियर क्यादत जो है वो मियां साहब के फैसलों से नाखुश है। आप लोग चाहते हैं वो अगला नेक्स्ट वजीर आजम भी बने, अब अलग बात है कि मंशूर भी सामने अभी तक नहीं आया, लेकिन जिस इलेक्शन में फकत 21 दिन बाकी है, नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मैदान में क्यों नहीं उतर रहे, सामने क्यों नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नून लीगी मियां जवेद लतीफ़ मेयर बुखारी के हत्थे चढ़ गया। मेयर बुखारी ने लाइव शो में सामने बिठा कर मियां जवेद लतीफ़ के सामने नवाज शरीफ को और पूरी नून लीग को ऐसा नंगा किया कि मियां जवेद लतीफ़ मेयर बुखारी के सामने भीगी बिल्ली बना रहा और मेयर बुखारी के किसी भी सवाल का ठीक से जवाब ना दे सका। आए पहले मेयर बुखारी और मियां जवेद लतीफ़ की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। का मियां नवाज शरीफ पर साजिश के जरिए इक्तदार में आने का इल्जाम तकवीत पकड़ने लग गया है। तहरीक इंसाफ के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मियां साहब को यही इल्जाम दे रही है कि वो आवाम की ताकत की बजाय साजिशों की ताकत के जरिए इक्तदार में आना चाहते हैं। मेहर मुझे आपका बड़ा एहतराम है, मगर मुझे अफसोस है इस सवाल पे कि मुझे तो साजिश के तहत हटाया जरूर जाता है, साजिश के तहत लाया नहीं जाता, और अगर कोई साजिश कर रहा है तो उसका नाम बता दें। दूसरी बात यह है कि जो लोग बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, मेरे लिए तो अभी फील्ड है, लेवल तो मुझे मिला ही नहीं। मेरे लिए तो फील्ड के लिए एक कदम उठा है तो उसको कहना शुरू कर दिया है कि ये साजिश के तहत हुआ है। मुझे ये बताएं कि आज सर ऐसे जो इस्तीफे जजेस के आ रहे हैं, को भी जेल में डाल दें, जरदारी साहब को भी डाल देते हैं। नहीं मेहर, आपका ख्याल हो सकता है मगर मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर 9-10 मई को कोई जुर्म किसी ने नहीं किया तो उसको भी बाहर आना चाहिए, उसको भी जेल में नहीं रहना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे कैंपेन रूल है, रोकेंगे दूसरी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे और वो भी साजिश का हिस्सा करते हैं, तो एक तरफ अगर आपकी दलील मान भी जाए कि पीटीआई तो अपना किया धरा भुगत रही है 9-10 मई का, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कहना कि आप उसी प्लान के तहत आए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां साहब की वतन वापसी से आज तक मुसलसल ये जाम लगा रही है कि आप लंदन प्लान के जरिए पीटीआई की हुकूमत को घर भी भेजा और मियां साहब की वतन वापसी की तमाम राहें तमाम रुकावटें दूर की गई। अब एग्जैक्टली यही बात जब पीपल्स पार्टी कर रही है, उसी लंदन प्लान का नाम नहीं दे रही, उसी प्लान का जिक्र करते हो। मेहर बात यह है कि अगर तो आप बात करेंगी अपनी तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा कि ये कौन सा प्लान है, और अगर आप बिलावल साहब को कोट करके ये बात कहेंगी कि हमारे लिए रास्ते खोल दिए गए, तो मैं उसको संजीदा इसलिए नहीं लूंगा कि जब तक जरदारी साहब उसको संजीदा नहीं लेंगे पाकिस्तानी कौम उनको संजीदा नहीं लेती। मगर आपको उसकी नहीं लगता वजह कि आपकी सियासी साख को शदीद धचका लग रहा है? जी क्या कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि आपकी साख को शदीद झटका लग रहा है, धचका लग रहा है? ये मकबूलियत, ये नवाज शरीफ की मकबूलियत है। अच्छा, ये लोगों का एतमाद है नवाज शरीफ पे, और दूसरी तरफ आलम यह है, आपने जिक्र किया चौथी बार नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के ख्वाहें, आप सब ये ख्वाहिश रखते हैं, इन्हीं कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन इस अंदाजे सियासत पे क्या कहेंगे उनके अपने और अंदर से भी नाला लोग दिखाई दे रहे हैं। मियां साहब के दरीना साथी और ताहाल मुस्लिम लीग नून में जो मौजूद हैं, शायद खान अब्बासी साहब मियां साहब को ये मशवरा दे चुके हैं कि वो 100 नशस्तों की बजाय 30 नशस्तें लेकर आ जाए, लेकिन इकतदार की सियासत और इस तरह की भोंडी सियासत ना करें। और मियां साहब को इसी नौयत का मशवरा जो है वो एक और आपके सीनियर कॉलीग जो है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी दिया कि ना आए क्योंकि वो फिर लड़ पड़ेंगे। अब सोने पर आगा कि सर वोट को इज्जत दो के बयानिए से पीछे हटने वाले मियां साहब का जो अभी अपना तर्ज सियासत है वो बदला क्यों लग रहा है? आज आपने देखा कि आपके अपने एक सीनियर कॉलीग सामने आ गए आसिफ फरमानी साहब, वो ये कह रहे हैं क्योंकि एक नया एडिशन है आपकी जमात में जो मियां साहब जिनकी बातें अब सुनने लग गए हैं। जो आप कहते हैं कि बयानिया, हमारा वोट को इज्जत दो का बयानिया उसी तरह है, हमारा अपनी जो बयानिया था हमारी तरजीहात, बयानिया तरजीहात हैं, तरजीहात हमारी उसी तरह हैं कि आप आईन कानून की बालादस्ती पे बिलीव करने वाले लोग हैं, हम और हमने अमलन करके दिखाया। और क्या जो बातें आप कर रही हैं जमात के हवाले से या नवाज शरीफ के हवाले या कोर्ट कर रहे हैं, किसी को कोर्ट कर रहे हैं आप, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या मैं पेट्रोल बम लेके चढ़ दौड़ूं अदारों के ऊपर, मैं मसल्ला जत्थे तैयार करूं अदारों एक से पेट्रोल बम, भाई बात तो सुन लेना, इस तरह ना किया करें। मेहर मेहर मेरे में एक सेकंड, आप जो भी चाहती हैं कहना वो आप कहें, मगर दूसरे को मौका दें कि वो भी अपना सवाल करे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखें पाकिस्तान के अदारे, कभी भी हमने अदारों को गाली नहीं दी, कभी अदारों पे हमलावर नहीं हुए, कभी अदारों को बदनाम नहीं किया। हाँ,
हम अदारों में बैठे लोग जो हैं जो आईन कानून से मावरा को कदम उठाते हैं, हम नाम लेकर तनकीद करते हैं अदारों पे, तनकीद उस वक्त भी नहीं करते थे, आज भी ये कह रहा हूं कि खुदा करे अदारों ने जो ए पॉलिटिकल होने का एक इशारा दिया है, एक ऐलान किया, उस पर वो कायम रहे। एक अदारे ने खुद एहतसाबी भी किया है, दूसरा अदारा खुद एहतसाबी करने जा रहा है, जिसकी वजह से उस वक्त के मॉनिटरिंग जज और उस वक्त के जो जिनकी ऑडियो वीडियो आई थी वो इस्तीफे दे रहे हैं। काश जब इन पे दबाव डाला जा रहा था 2017 का कि आप ये फैसले लिखें, उस वक्त ये इस्तीफे दे देते तो कौम के हीरो होते, मगर आज जो इस्तीफे दे रहे हैं ये कौम के हीरो नहीं है, कौम के मुजरम है। आपके तमाम तर ये लीगी सीनियर रहनुमाएं जिनको मैंने कोट किया, इनके तहफ़ुज़ात ये वाज़े सबूत नहीं है कि पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो मियां साहब के फैसलों से नाखुश है। आसिफ किरमानी साहब ने इस हद तक कहा कि जब हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, वोट को इज्जत, खत्म हो गया सारा कुछ। मेरी बात सुन लें, आप जिनको कोट कर रही हैं उनको बुला के उनसे पूछें। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि कोई इख्तलाफ नहीं है, हाँ इख्तलाफ राय होता है जमातों के अंदर, मगर जब लीडर सुन के कोई फैसला कर लेता है तो वो हतमी बात होती है। ये डिसिप्लिन का तकाजा है और हमारी जमात में यह अल्हम्दुलिल्लाह ये डिसिप्लिन है। और जो लोग छोड़ चुके हैं, और जिसकी बात आप मुशाहद हुसैन सैयद की कर रही हैं, कितनी जमातें बदल के आए, बदकिस्मती है। मैंने तो अपनी जमात के अंदर कहा था कि क्यों टिकट दिया सेनेट का इनको, मैंने ये बात कही थी और आज भी ये बात कहता हूं कि ऐसे लोटों को टिकट नहीं देना चाहिए। ऐसे नजरिया सोच फिक्र रखने वाले जिनका फील्ड में कोई तलक ही नहीं होता, जिनका आवाम से कोई राबता ही नहीं होता, और एक फिलासफर बन के आप उनको टिकट दे दें और सेनेटर वो बन जाएं और वो मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा भी बन जाएं, क्या उस वक्त जब नवाज शरीफ परवेज मुशरफ के दौर में मुसीबत में थे, जमात मुसीबत में थी, क्या उस वक्त यही सीनियर बंदा जिसका आप जिक्र कर रही हैं, क्या कोई कभी इनके अल्फाज सुने थे आपने? सेनेटर आसिफ किरमानी के हवाले से उनको किस कैटेगरी में डालेंगे? मैं सेनेटर आसिफ किरमानी को उस लेवल पे कभी डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं हूं जिस लेवल की आप बात कर रही हैं नवाज शरीफ के हवाले से। हाँ, मैं खाकान अब्बासी को जरूर डिस्कस करता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि खाकान अब्बासी जो हैं वो एक लिमिट क्रॉस करने वाले शख्स नहीं है, उनकी कुर्बानियां हैं मुस्लिम लीग के लिए, मगर मुस्लिम लीग ने भी जो उनको इज्जत दी है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सो मैं उससे उस पर इससे और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। और सर अब जो मुल्क की बाग दौड़ संभालने जा रहे हैं मियां साहब, आप लोग चाहते हैं वो अगला नेक्स्ट वजीर आजम भी बने, अब अलग बात है कि मंशूर भी सामने अभी तक नहीं आया, लेकिन जिस इलेक्शन में फकत 21 दिन बाकी है, नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मैदान में क्यों नहीं उतर रहे, सामने क्यों नहीं आ रहे? आपने मेयर बुखारी और मियां जवेद लतीफ की गुफ्तगू सुनी। मेयर बुखारी ने कहा कि नवाज शरीफ के मुतलक ये बात तूल पकड़ती जा रही है कि उनको लंदन प्लान के जरिए लाया गया और अब उसी प्लान के जरिए इनको इक्तदार में बिठाने की कोशिशें की जा रही है। इस पर मियां जवेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई अभी उस सिलसिले में पहला रिलीफ ही इनको मिला है कि सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया, हमें तो अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड ही मयसर नहीं है। इस पर मेयर बुखारी ने मियां जवेद लतीफ से कहा कि आप कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, आपके सबसे बड़े हरीफ इमरान खान के ऊपर 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं और वो जेल में पड़ा हुआ है, और कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो और जरदारी को भी जेल में डाल दिया जाए तब आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मयसर होगी? मेयर बुखारी ने कहा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमें अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है, जबकि इलेक्शन को सिर्फ 21 दिन रह गए हैं और आप अभी तक अवाम में नहीं निकल रहे, नवाज शरीफ में अभी तक हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो अवाम का सामना कर सके, क्योंकि 16 माह में इनके भाई शहबाज शरीफ ने जो अवाम की दुर्गत बनाई, अब ये इस काबिल नहीं है कि ये अवाम का सामना कर सकें, क्योंकि इनको पता है कि अवाम इन पर बहुत ज़्यादा तपी हुई है, मगर फिर भी इनको यकीन है कि नेक्स्ट आने वाला इक्तदार इनका ही होगा, क्योंकि बकौल इनके के हमारी बात हो चुकी है। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है, नेक्स्ट आने वाले वज़ीर आज़म कौन होंगे, इमरान खान या नवाज शरीफ? आप अपनी राय से मैं ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।